नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग इंडिया की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वाईफाई टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, आने वाले समय में जैसे आज हम वाईफाई यूज करते हैं, उसी तरह से वाईफाई टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें एलईडी बल्ब के थ्रू हम इंटरनेट चलाएंगे। और सिर्फ दोस्तों हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, यही नहीं, इसके अलावा एयर कंडीशनर, वॉच या और कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इंटरनेट का यूज होगा, वह भी एलईडी के थ्रू चलाया जा सकेगा। वाईफाई और लाइट फिडेलिटी इन्वेंटेड बाई जर्मन फिजिस्ट एंड प्रोफेसर हेराल्ड हास। दोस्तों, हेराल्ड हास इसके जनक हैं और यह भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें एलईडी बल्ब्स और लाइट स्पेक्ट्रम, इसको डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, जो वाईफाई है उसमें यहाँ पर रूटर यूज होता है और लाइट स्पेक्ट्रम की जगह रेडियो वेव्स यूज होती है। तो वाईफाई में पूरी ही टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, क्योंकि इसमें एलईडी बल्ब्स और उससे निकलने वाली लाइट का यूज होता है, इसलिए इसको विजिबल लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों, वाईफाई टेक्नोलॉजी एक एलईडी लैंप को, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, उसको एक हॉट स्पॉट में बदल देगा। मतलब जहां भी एलईडी लाइट होगी वो चल रही होगी, तो उससे कितने ही मोबाइल डिवाइस को इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसका सक्सेसफुल पायलट इम्प्लीमेंट भी किया है और आने वाले समय में हम इसको कॉमर्शियल बेसिस पर भी देख सकते हैं, जिसका मतलब हमारे मोबाइल, लैपटॉप, ये सब एलईडी लाइट के थ्रू इंटरनेट में चलेंगे। फिलिप्स, एप्पल, ऐसी कंपनियों तो इस पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, वाईफाई को जानने से पहले हम देखते हैं कि वाईफाई कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इंटरनेट हो गया, मोडेम के थ्रू वो रूटर पर जाता है और रूटर से फिर हम जितने भी डिवाइस है, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, उन सभी को हम चला पाते हैं। दोस्तों, जहां मोबाइल का यूज होता है वहां पर कई बार ये रूटर मोबाइल भी बन जाता है, कई बार यह रूटर पीसी भी बन जाता है, जिससे और डिवाइसेज को चलाया जा सकता है। लेकिन वाईफाई में पूरी ही टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। इसमें सर्वर और इंटरनेट को सबसे पहले लैम ड्राइवर में स्ट्रीम किया जाएगा, उसके बाद जो लैम्प ड्राइवर है वो इंटरनेट को एलईडी लैम्प के थ्रू प्रोसेस करवाएगा। फिर दोस्तों, जो एलईडी लैम्प है उनसे जो लाइट निकलेगी वो बाइनरी यूनिट में निकलेंगी, 0 और 1, और फिर उनको जो वाईफाई डोंगल है, जो कि या तो लैपटॉप के अटैच होगा या फिर मोबाइल के अंदर इंटीग्रेट होगा, तो इनके थ्रू इस लाइट को कैप्चर किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा और डाटा इन डिवाइसेज में रिसीव किए जाएंगे। चाहे हमें गाना चलाना हो, कोई वीडियो हो या इंटरनेट पर कोई और काम करना हो, वो हम कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हो कि वाईफाई में पूरी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। आने वाले समय में दोस्तों, जहां भी एलईडी लाइट्स होंगी उनके नीचे चाहे मोबाइल फोन हो, पीसी हो या और कोई सा डिवाइस हो, उसमें इंटरनेट चलाया जा सकेगा। अब दोस्तों, वाईफाई और वाईफाई में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है स्पीड का। दोस्तों, वाईफाई की स्पीड वाईफाई से 100 गुना ज्यादा है। हाँ दोस्तों, 100 गुना ज्यादा है। वाईफाई रेडियो वेव्स पर काम करते हैं, वाईफाई विजिबल लाइट वेव्स पर काम करती है। वाईफाई वाईफाई के कंपैरिजन में मोर सिक्योर है। और दोस्तों, शॉर्ट रेंज में अगर हमें बहुत ज्यादा डाटा भेजना हो तो उसको वाईफाई के थ्रू भेजा जा सकता है। तो स्पीड के साथ वाईफाई की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, वाईफाई की जो रेंज है वो वाईफाई के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। वाईफाई सिर्फ 10 मीटर तक है, जबकि वाईफाई 30 मीटर तक है। और वाईफाई में लेस इंटरफेरेंस एंड डिस्टर्बेंस है एज कम्पेयर टू दी वाईफाई। वाईफाई में आप कई बार देखते हैं सिग्नल चला जाता है, कम ज्यादा होता रहता है, जिससे इंटरनेट में काफी दिक्कत आती है, वो वाईफाई में नहीं होगी। अब दोस्तों, वाईफाई के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला है कनेक्टिविटी का। दोस्तों, ऐसे एरियाज जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता है लेकिन जहां पर फाइबर को नहीं पहुंचाया जा सकता, वहां पर वाईफाई बहुत मददगार साबित हो सकती है। टू कनेक्ट हॉस्पिटल्स, सर्टेन इक्विपमेंट्स, अंडर वाटर कनेक्टिविटी। दोस्तों, रेडियो वेव्स ज्यादा अंडर वाटर नहीं जा सकती, लेकिन वाईफाई के थ्रू वहां पर इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे पेट्रोकेमिकल, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, जहां पर सेफ्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर लाइट रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में ज्यादा सेफ होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोस्तों आने वाले समय में हमारे जितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू चलेंगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने में भी वाईफाई का बहुत बड़ा यूज हो सकता है। स्पेशली जो भी बिजनेसमैन है या जो रिटेलर्स है, उनके वाईफाई बहुत ज्यादा काम आ सकती है। इन स्ट्रीट्स एंड इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपके सड़क के किनारे पर जो लाइट लगी हुई है वो वाईफाई हो और उससे आप इंटरनेट
एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से गली गली में इंटरनेट हॉटस्पॉट लगाए जा सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत स्मार्ट किया जा सकता है जिसे कम से कम कंजेशन होगा। दोस्तों एलईडी का यूज एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में भी किया जा सकता है। गाड़ी के आगे और गाड़ी के पीछे एलईडी लैंप्स लगाए जा सकते हैं तो वो आसपास में आने वाली गाड़ियों को पहचान सकती हैं और एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकती हैं। दोस्तों लाइफाई से आने वाले समय में मोबाइल को वायरलेसली भी चार्ज किया जा सकेगा। और इसके अलावा दोस्तों लाइफाई वाईफाई के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी है क्योंकि इसमें पोल्यूशन भी कम है, इसमें लेस पावर की जरूरत रहती है। तो इस तरह से लाइफाई आने वाले समय में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला दोस्तों, चूंकि यह लाइट स्पेक्ट्रम पर काम करती है तो लाइट का होना बहुत जरूरी है। जहां पर लाइट नहीं पहुंच सकती वहां पर लाइफाई भी नहीं पहुंच सकती। जैसे मान लीजिए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, कोई दीवार हो गई, तो उसके बियॉन्ड फिर लाइफाई से इंटरनेट नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन वाईफाई दीवार के आर पार भी पहुंचाया जा सकता है। अब दोस्तों लाइफाई के लिए लाइट की जरूरत है, एलईडी बल्ब जलाने की जरूरत है। तो इसका मतलब हो गया एलईडी बल्ब को हमें दिन में भी स्विच ऑन करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट दोस्तों, इनिशियली लाइफाई टेक्नोलॉजी को लाने की बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इसको इंस्टॉल करने की बहुत ज्यादा कॉस्ट है। हर जगह एलईडी बल्ब लगाने होंगे जो लाइफाई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें। और इसके अलावा हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनमें भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि वो लाइफाई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों इन चैलेंजेस और लिमिटेशंस को देखने के बाद में हम यह कह सकते हैं कि लाइफाई टेक्नोलॉजी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू वाईफाई टेक्नोलॉजी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफाई वाईफाई को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती है। लाइफाई और वाईफाई दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप चाहते हैं कि उस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।